गुरुवार को गुढ़रमऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के ओवरब्रिज का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों किया गया। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्र भी मौजूद रहे। गुढ़र के पास 3,245.87 लाख रुपए की लागत से रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य का भूमि पूजन उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि रेलवे ओवर ब्रिज के बन जाने से रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन में सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रीवा से सीधी तक की रेल लाइन पूरी होने से पहले ही इस रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। 1,111.28 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज को पूरा करने का अनुमंधित समय 28 माह दिया गया है, जिसका निर्माण उससे पहले ही कर लिया जाएगा। इसके बन जाने से यातायात की सुविधा अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा काम करता है और पैर रखने से वो ईंट आपकी टूट गई। जो रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है उसमें भी मैंने अपनी बैठक में आपस में कही थी कि काम बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। उस समय लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं वैसा हो रहा, इस वजह से दूसरा अभी सेल्फी का जमाना है। आप देखेंगे ना इस पुल को, सेल्फी का जमाना है। पाकिस्तान का ओवरब्रिज हिंदुस्तान में दिखाया जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति ना है कि ओवरब्रिज का वीडियो दिखाया जाए। विजय मिश्रा जी से भी मेरा निवेदन है कि सिरमौर चौराहे में आपने बहुत लेट की और आपका एक वर्ष के बाद या डेढ़ वर्ष के बाद वो ओवरब्रिज पूरा हुआ था निर्धारित तिथि के। आपने आशा व्यक्त की है कि समय के पूर्व करेंगे, इसलिए धन्यवाद। जो बहुत शहरों में रेलवे लाइन होने के कारण लोगों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है, रीवा के लोगों को उस समस्या से जूझना ना पड़े, दूर की सोच कर इस रेलवे ओवरब्रिज को मंजूर कराया गया है और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। हम लोग जब भोपाल में कभी हवाई अड्डे की ओर जाते थे और वहां पर रेलवे क्रॉसिंग में आरओबी ना होने के कारण लोगों को वहां पर इंतजार करना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई में जब देखता था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। पहले की सरकारें इतने मुख्यमंत्री थे, इतने मुख्य सचिव थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी रहे होंगे, किसी ने इतना क्यों नहीं सोचा कि जब रेलवे लाइन है तो रेलवे का ओवरब्रिज होना चाहिए। जब भोपाल में इस प्रकार की सोच विकसित नहीं कर सके थे लोग, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता। अच्छी सरकार हुआ है जो आने वाली समस्याओं का अंदाज लगाए और उसके समाधान के लिए आज ही से प्रयास करे। जो चूक भोपाल में राजधानी में पहले की सरकारों ने की थी वो चूक किसी भी कीमत में मैं रीवा में होने नहीं देना चाहता। जैसे ही रीवा से सिंगरौली रेल लाइन मंजूर हुई, सांसद जी ने वहां पर जब खंभ ठोक दिया कि रीवा से सिंगरौली की रेल लाइन बननी चाहिए, हमको पर्याप्त पैसा मिलना चाहिए, और जैसे ही मोदी जी की सरकार ने पैसा मंजूर किया, सीधी में भूमि पूजन हुआ, सीधी की सांसद बधाई के पात्र हैं, रीवा के सांसद जनार्दन जी बधाई के पात्र हैं,